हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और यस, जय हिंद। आजकल शादियां बहुत हैं, है ना? सीजन चल रहा है शादियों का, और ठंड बहुत है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार ठंड बड़ी है तो थोड़ी सी रम पी लेते हैं, थोड़ी सी ब्रांडी ले लो, ठंड दूर हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं शुरू से, और लेडीज़ भी कई बार घर में ले लेती हैं या उनको दे दिया जाता है कि ब्रांडी पी ले थोड़ी, है ना। हस्बैंड भी दे देते हैं, थोड़ी पी ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वो भी पी लेते हैं। तो क्या कितना सच है इसमें कि सर्दियों में ब्रांडी या रम लेना आपकी हेल्थ के लिए, सर्दी को दूर भगाने में मदद करता है, हेल्थ के लिए अच्छा है? बड़ी जगह पे अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको बड़े फ़ायदे सुना दिखाए जाएंगे कि हाँ, इससे शरीर में गर्मी आ जाती है, वार्म आ जाता है, फीलिंग्स वार्म जरूर हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ की, लेकिन शरीर में कितनी गर्मी आती है वो मैं एक्चुअल अभी आपको बताता हूँ। और ये भी बताता है कि आपका पेन वेन ठीक हो जाते हैं, हार्ट के लिए बड़ी हेल्दी है, हड्डियों के लिए बड़ी मजबूत कर देती है, बड़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। सच क्या है? देखो, ब्रांडी जो है वो बनती है फर्मेंटेशन फ्रूट जूसेस से, और जो रम है वो गन्ने से, शुगर केन से बनती है, और दोनों अल्कोहल है, अच्छे खासा अल्कोहल कंटेंट होता है ब्रांडी में। तो ये जो एक जो शुरू से चला आ रहा है रिवाज, बचपन से हम पता है कि ब्रांडी दे दो, बच्चों को भी ब्रांडी दे दी जाती है कि गला ख़राब हुआ तो गले में ख़राब में दे दो, इवन गरारे भी कर लेते हैं लोग ब्रांडी से, तो कितना सच है कितना। और ये भी बोला जाता है कि सर्दी जुकाम को भी दूर भगाती है, उससे बचाती है। तो आज मैं आपको इसके ऊपर सच बताने जा रहा हूँ। बेसिकली दोनों अल्कोहल हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये जो बोलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर, हमें गर्मी आ जाती है, वार्म आ जाता है, और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, है ना, सच ये है कि एक्चुअली ये बॉडी कोर के जो टेम्परेचर को कम करती है। शुरू में आपको वार्म फील आ सकती है, लेकिन बाद में उल्टा टेम्परेचर कम हो सकता है, तो हाइपोथर्मिया हो सकता है आगे चल के, लेटर ऑन हो सकता है 2-4 घंटे आपको गर्मी लगे, ठीक है, तो नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, शिवरिंग को कम करती है। तो शिवरिंग एक नॉर्मल फिनोमना है, नॉर्मल इम्यून फिनोमना है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जब ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है, तो एक बॉडी का नेचुरल इम्यून फिनोमना है, वो उसको भी ये खत्म कर देती है। तो कहीं से भी आप ये बोलोगे कि सर्दी के लिए, सर्दी भगाने के लिए ये कोई ठीक मेथड नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यूनिटी को कोई भी अल्कोहल हो, अब तो ये भी हो गया कि पहले कहते थे जी थोड़ा बहुत अल्कोहल बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन आज ये नई रिसर्च आ रही है कि अल्कोहल का मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी भी आपको कैंसर के लिए वो कर रही है, खतरे में डाल रही है, क्योंकि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो छोटा सा अमाउंट भी सेफ नहीं है, आपकी इम्यूनिटी को कम करती है अल्कोहल, कोई ठीक नहीं करती है, हड्डियों को बल्कि वीक करती है, है ना। और जिनको ऑलरेडी लीवर की प्रॉब्लम है, आप सोचिए, उनके लिए तो जहर है, पॉइजन है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, चाहे ब्रांडी हो या रम हो, चाहे विस्की हो, चाहे वोडका हो, जिनके लीवर वीक हैं, लीवर ख़राब हो चुके हैं, उनके लिए सब जहर है, सब पॉइजन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ठीक है, कभी कभार आपने शोकिया ले ली छोटी मोटी तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ले रहे हैं, है ना। बड़े लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि वाइन जो है वो हार्ट के लिए बड़ी हेल्दी है। देखो, ये सब चीज़ें एक रिलेटिवली उसमें बोला जाता है कि अगर आप शराब पीते हैं, आप ये सब ले रहे हैं, तो तब हम कहते हैं कि भाई अंधों में काना वाइन है। सच बात ये कि रेड वाइन अंधों में काना है, लेकिन अगर आप कहें जी मैंने अपने हार्ट को अच्छा बनाना है और मैं दारू नहीं पीता, मैं रेड वाइन शुरू कर दूं, तो भाई गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। उससे अच्छा चीज़ें बहुत सारी हैं जो रेड वाइन में होती हैं, वो मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा रेड वाइन पे, एंटीऑक्सीडेंट और भी काफ़ी चीज़ों में होता है, तो खा पी लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो कुल मिला के अल्कोहल अल्कोहल है, उसको अल्कोहल ही रहने दें, उसको एज ए दवा, कहते हैं दवा दारू एक साथ, तो दारू को दवा बनाने की कोशिश ना करें, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी बड़ी महंगी हो गई है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, पंकज उदास जी बोल गए थे बेचारे लेकिन केजरीवाल जी की सरकार ने सारे उनकी जो वाणी थी ना पंकज उदास की, सब तार तार कर डाली। कैसे? वो बोलते थे ये क्या हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी ही थोड़ी पिया करो,
पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी ही थोड़ी पिया करो। तो वो बेचारे अपने टाइम पे बोलते थे, अब एक के साथ एक फ्री मिल रही है, तो कहाँ से हो गया, महंगी कहाँ से हो गई, सस्ती हो गई शराब। और लोग जो परेशान हैं, जो घर वाले परेशान हैं, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, जिनके घरों में लोग अल्कोहलिक हैं, जिनके हस्बैंड या उनके फादर शराब पीते हैं, इस सस्ती शराब से वो लोग कितनी गालियाँ रोज देते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये स्कीम निकाली थी। मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि स्कीम की वजह से ये जो 1+1 या सस्ती जो शराब थी, उसने कई घर और ज़्यादा उजाड़े हैं, कई लोगों की बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, इन सब एडिक्शन से थोड़ा दूर रहिएगा। शुक्रिया।